माननीय शिक्षा मंत्री जी को बता के गए थे कि बहुत सारी चीजें मैं मंच से नहीं बोल पाया, आप सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ इनके वरिष्ठ साथियों के साथ बैठकर अतिथि शिक्षकों के साथ बैठक कर लें और जो चीज छूट गई है उन चीजों पर भी सरकार विचार करेगी, अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय करेगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अतिथि शिक्षक महापंचायत के पहले आपकी जो ऐसी बातें सामने आई थी कि अतिथि शिक्षक महापंचायत के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी अतिथि शिक्षक सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और महापंचायत में जो भी घोषणाएँ करने वाले हैं उनको लेकर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिस दिन महापंचायत आयोजित की गई 2 सितंबर को, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी 1.5 घंटे लेट आए थे, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी जो घोषणाएं हैं जो उन्होंने मंच से नहीं की हैं, जिसके लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री जी को कहा है कि आप जो सदस्य हैं उनसे जो है बातचीत करिए और जो भी उनकी जो मांगे हैं उन पर जो है निष्कर्ष निकालिए। तो दोस्तों, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है चलिए देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी को बता के गए थे कि बहुत सारी चीजें मैं मंच से नहीं बोल पाया, आप सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ इनके वरिष्ठ साथियों के साथ बैठकर अतिथि शिक्षकों के साथ बैठक कर लें और जो चीज छूट गई है उन चीजों पर भी सरकार विचार करेगी, अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय करेगी। हमारे साथी समझ नहीं पा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना तक बोला है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए यदि नियमों को भी शिथिल करना पड़ेगा तो हम लोग नियमों को शिथिल करेंगे। आप लोग जो सीधी भर्ती प्रमोशन और ट्रांसफर से बाहर हुए हैं, किसी भी तरह की चिंता ना करें। आज भी हमने अधिकारियों को पत्र लिखा है, उनसे आग्रह किया है कि जो साथी सीधी भर्ती प्रमोशन और ट्रांसफर से बाहर हुए हैं, रिक्त पदों पर प्राथमिकता के साथ सिर्फ पुराने साथियों को ही सेवा में लिया जाए। आप बिल्कुल चिंता न करें, हम जो भी संभव है अतिथि शिक्षकों के हित में करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे साथी जो अनट्रेंड है, आप लोगों का ध्यान भी संगठन को है, शिक्षा मंत्री जी से भी सभी प्रदेश अध्यक्षों के सामने मैंने इस बात को रखा था कि जिस तरह से गुरुजी शिक्षा कर्मियों को मध्य प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन क्वालिटी योजना से डीएलएड करवाया था, उसी तरह से आप मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को भी डीएलएड करवा सकते हैं। दूसरा विकल्प उनको दिया था, यदि सरकार डीएलएड नहीं करवाना चाहती तो आप वर्षों से जो व्यक्ति काम कर रहे हैं ऐसे साथियों को पत्राचार से डीएलएड करने की अनुमति दें, ताकि उनकी भी वर्षों की जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाए।